दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट इज कर्टिल सोनेट। कर्टिल सोनेट होती क्या है, आज देखते हैं इसके बारे में। कर्टिल, इसका दूसरा नाम ये है कि कर्टिल भी कह सकते हैं और कॉन्ट्रैक्टेड सोनेट भी कह सकते हैं। दो नाम है इसके, दोनों नाम से आपको दिखाई दे सकती है। कर्टिल सोनेट इज अ शॉर्टर वर्जन ऑफ द ट्रेडिशनल सोनेट। जो भी ट्रेडिशनल सोनेट्स हैं उन की वजह, उसमें जो ट्रेडिशनल सोनेट जिस तरह से पाई जाती हैं उसका एक शॉर्टर वर्जन है कर्टिल सोनेट। जैसे हम देखते हैं कि स्पेंसेरियन सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट है, मिल्टोनिक सोनेट है, जिस तरह से वो हैं उनसे का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है कर्टिल सोनेट। इसको लिखा था मिल्टोनिक, क्रिएटेड बाय द पोइट जेरार्ड मैनले हॉपकिंस ने। ये जो पोइट था वो विक्टोरियन इरा का काफ़ी ग्रेट पोइट था। ये अपने आप में जेसेट प्रीस भी थे और ये इंग्लिश पोइट थे। इनका जन्म जो था July 28, 1844 को हुआ था। 19th century के पोइट थे जिन्होंने इसका इन्वेंट किया था। अ ट्रेडिशनल सोनेट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स, वेयर इज अ कर्टिल सोनेट कम्प्रोमाइज 10.5 लाइन्स। अब देखो, ट्रेडिशनल सोनेट जितनी भी थी उनके अंदर 14 लाइन्स पाई जाती हैं ट्रेडिशनल सोनेट्स में, चाहे वो स्पेंसरी हो चाहे मिल्टोनिक हो। और कर्टिल सोनेट के अंदर जो लाइन्स हैं उनको हम 11 लाइन्स कहते हैं, मगर हैं एक्चुअल में उसके अंदर 10.5 लाइन, मतलब 10.5 लाइन्स पाई जाती हैं। सोनेट ऑफ 11 लाइन्स यहाँ पर लिखा है इसलिए मैंने, क्योंकि ये 11 इसके अंदर आपको राइमिंग स्कीम जो दिखाई दे रही है इसमें जो पॉइंट्स हैं वो 11 है इसलिए। हालांकि देखिए इसको ABC ये दोनों आपकी 6 तक आपका सेस्टेट है ही, और DBCD ये 7 से लेकर 10 तक आपका एक क्वार्टरेन है, और सी जो फाइनल जो लाइन है इसको टेल कहते हैं जो कि हाफ लाइन में होती है। अगर आप ध्यान से देखें इस पोएम के अंदर जो 10 लाइन है, मतलब 10 ए से लेकर डी तक, ये जो है इसको लिखा जाता है एम्बिक पेंटामीटर के अंदर। और जो सिंगल लाइन जो फाइनल लाइन है सी 11 पे, ये स्पॉन्डी है 1 फुट, इसके अंदर जिसके अंदर 2 स्ट्रेस्ड सिलेबल्स पाए जाते हैं। सी जो फाइनल लाइन टेल हाफ लाइन जो कि स्पॉन्डी 2 स्ट्रेस्ड सिलेबल्स का होता है उसमें लिखा जाता है इसको, और बाकी जो 10 लाइन्स हैं वो आपकी एम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। फिर ध्यान से देखें इसको ABC, फिर ABC ये दोनों सेस्टेट हैं, और DBCD ये क्वार्टरेन है और सी हाफ लाइन है। अगर हम ट्रेडिशनल सोनेट से अगर इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर सेस्टेट वहाँ पर आया है जहाँ पर क्वार्टरेन होता है, और क्वार्टरेन की जगह पर जहाँ क्वार्टरेन होता है वहाँ सेस्टेट होता है, तो यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है और लास्ट में जो है हाफ लाइन होती है। टिपिकली इट अधीज टू अ पर्टिकुलर राइम स्कीम एंड स्ट्रक्चर एंड रेंडरिंग इट अ कंसाइज येट कंपेलिंग फॉर्म ऑफ पोइट्री। ये कहना चाह रहा है कि ये जो कर्टिल सोनेट है इसकी जो राइमिंग स्कीम है और जो स्ट्रक्चर है वो पर्टिकुलर रूल से फॉलो कर रूल को फॉलो करता है, और कंसाइज वे में इसको लिखा जाता है। मगर फिर भी इतना कंसाइज है लिखने के बावजूद भी ये बहुत ही पोइट्री जब लिखी जाती है इसमें तो काफ़ी ज़्यादा सम्मोहक कंपेलिंग होती है। हॉपकिंस ने पाइट ब्यूटी एग्जाम्पल है जिसके अंदर कर्टिल सोनेट का इस्तेमाल किया था। उसकी कुछ लाइन्स इस तरीके से हैं, ग्लोरी बी टू गॉड फॉर डैपल थिंग्स फॉर स्काइज ऑफ कपल कलर एज अ ब्राइंडेड काउ फॉर रोज मोल्स ऑल इन अ स्टिपल अपॉन ट्राउट दैट स्विम फ्रेश फायर कोल चेस्टनट फॉल्स फिंचेस विंग्स लैंडस्केप प्लॉटेड एंड पीस्ड फोल्ड फेलो एंड प्लाव एंड ऑल ट्रेड्स देयर गियर एंड टैकल एंड ट्रिम। ये जो है कर्टिल सोनेट का एक फेमस एग्जाम्पल है, और इसके अंदर जो पोएट है इसको सेलिब्रेट करता है नेचर की वैरायटी और कॉन्ट्रास्ट नेचर को इसके अंदर। ऐसे ही पीस, ये भी जेरार्ड मैनले हॉपकिंस ने इसको लिखा, इसकी कुछ लाइंस हैं आपके सामने, व्हेन विल यू एवर पीस वाइल्ड वुड डव शाय विंग शट योर राउंड मी रोमिंग एंड एंड अंडर बी माई बाव व्हेन पीस विल यू पीस आई विल नॉट प्ले हिपोक्रेट टू ओन माई हार्ट I yield, you do come sometimes, but that piecemeal, peace is poor peace, what pure peace allows, alarms of wars, the daunting wars, the death of it. ये इस पोएम के अंदर जो हॉपकिंस है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है इल्यूसिव नेचर ऑफ पीस के बारे में। इल्यूसिव नेचर ऑफ पीस का मतलब है कि नेचर जो है किस तरीके से चेंज होता है। तो ये था आपका कर्टिल सोनेट। आई होप कि आपको ये वीडियो मदद करेगा कर्टिल सोनेट को एक सिंपल वे में समझने के लिए कि कर्टिल सोनेट होता क्या है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं, बेल बटन बिल्कुल दबाएं जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब मैं आपको दूँ तो आपको पहचान आपको मिल सके टाइम पर। थैंक यू।